Subscribe Online Ventures YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material. Subscribe Online Ventures YouTube channel. Hello, guys, welcome to Online Ventures. द वन स्टॉप सोल्यूशन जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं कमेंट फास्ट गाइज जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं ताकि सेशन को फटाफट शुरू किया जा सके आपके कमेंट फटाफट आने चाहिए गाइज जल्दी जल्दी कमेंट करें सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज गुड इवनिंग पूजा जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आप लोगों ने लगातार जो है वीकली करंट अफेयर की क्लासेस की होंगी काशिप अंसारी सर की और हमारी और उन करंट अफेयर्स से तमाम सारी चीजें आप लोगों ने सीखा होगा आज जो है आप लोगों को इनमें से तमाम सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे इसके डिटेल आंसर जानने के लिए पूरे वीक की करेंट अफेयर को जरूर देखिएगा आप लोग आज जो है आपका टेस्ट करते हैं डिटेल आंसर के लिए डेली की जो करंट अफेयर कराई जा रही है 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक की करंट अफेयर की क्लासेस जरूर देखिएगा डेली के लिए अगर अभी कोई नया जुड़ रहा है तो प्लीज तो हमारे ऑनलाइन वेंचर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वहीं पर पास में बेल आइकन बटन दिख रहा है बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो है आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइस आप लोगों के लिए बहुत कुछ यूट्यूब पर आने वाला है जल्दी जल्दी जो है कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं अगर अभी तक आप में से किसी ने ऑनलाइन वेंचर का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जरूर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बेहद जरूरी ऐप है सो so, सभी लोग जल्दी से जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करिए ठीक बिल्कुल जय जय हिंद भारत चलिए शुरू करते हैं आपके सामने पहला प्रश्न कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गोल्डन क्वारिलेटरल स्वर्डिंग चतुर्भुज को लेकर के निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए इंडियन रेलवे रिसेंटली इनहेंस द मैक्सिमम स्पीड टू 130 km per hour to 1280 km length out of 1612 km in golden quadrilateral golden diagonal route the speed enhancement covers the entire golden quadrilateral golden diagonal route over south central railway आपके ऑप्शन है विच स्टेट यहां पर प्रश्न है विच स्टेटमेंट गिवेन एवव इज ऑब्लिक आर करेक्ट आपके ऑप्शन यहां पर वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन न टू जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट फटाफट फटाफट कमेंट करें, इज जल्दी जल्दी आपके कमेंट आने चाहिए फटाफट फटाफट कमेंट करें, इज जल्दी जल्दी आपके कमेंट आने चाहिए लाइक और शेयर सेशन को फटाफट कर दीजिए जल्दी जल्दी जो है वह सेशन जो है आप लोग फटाफट फटाफट लाइक और शेयर करिए जल्दी से और आंसर जल्दी जल्दी करना शुरू कर दीजिए गैस ठीक जल्दी जल्दी आंसर करिए चलिए बिल्कुल ए इज द राइट आंसर यहां पर वन ओनली ठीक चलिए अगला प्रश्न विथ रेफरेंस टू द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज ऑन ट्वेल्थ जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे इन ऑर्डर टू इनकरेज द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 35 फाइव इयर टू एंगेज विथ पब्लिक इशूज एंड अंडरस्टैंड द कॉमन मैं पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड स्टेटमेंट है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी बीइंग द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू आपके यहां पर विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन एब इज ऑब्लिक आर करेक्ट आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉर टू केवल एक केवल दो एक और दो दोनों दोनों में से कोई नहीं कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइज बेहद आसान सा सवाल जल्दी जल्दी कमेंट करें यस yes, सी जो है यहां पर जो है राइट है ठीक है अगला प्रश्न चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल सॉरी यहां पर जो है अगर हम देखें तो आंसर जो है आपका नॉट सी ए इज़ द राइट आंसर सॉरी यहां पर ए इज द राइट आंसर नॉट सी सी नहीं ए इज द राइट आंसर वन ओनली सी इज द राइट आंसर ठीक है तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा यहां पर जो है सेकंड स्टेटमेंट नहीं है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है सो ए इज द राइट आंसर अगला प्रश्न चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल कहां मनाया जाता है जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट मणिपुर नागालैंड सिक्किम हिमाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड सिक्किम हिमाचल प्रदेश जल्दी जल्दी कमेंट करें, गाइस। कमेंट फास्ट गाइज बेहद आसान सा सवाल जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए आप लोगों के फटाफट फटाफट फटा फटा कमेंट करें, गाइस। yes. यस ए इज द राइट आंसर मणिपुर में मनाया जाता है बिल्कुल सही ए इज द राइट आंसर अगला प्रश्न विथ रेफरेंस टू केन बेतवा प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट द ड्राई बुंदेलखंड एरिया इन राजस्थान सेकेंड स्टेटमेंट है द देयर आर थर्टी वन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट प्लांट इन द कंट्री which of the statement given above is oblique are correct one only two only both one and two neither one nor two comment fast jaldi jaldi comment kare comment fast guys फटाफट फटाफट comment करें like और share जल्दी जल्दी जो है like और share का button दबा दीजिए आप लोग like और share तूफान की स्पीड में लाइक और शेयर भी करते रहिए जितनी तूफानी स्पीड में आंसर उतनी ही तूफानी स्पीड में लाइक और शेयर भी कर दीजिए ठीक है यहां पर अगर हम देखें तो आंसर बी होगा क्योंकि बुंदेलखंड ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ एरिया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ एरिया है यह जो है बुंदेलखंड का अगला प्रश्न रिसेंटली सीन इन न्यूज पीरियड रूम हैज बीन सेटअप इन आपके ऑप्शन है दिल्ली थाने चेन्नई सूरत कमेंट फास्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज पीरियड रूम हैज बीन सेटअप इन कमेंट फास्ट गाइस जल्दी जल्दी आपके आंसर आने चाहिए यहां पर फटाफट फटाफट कमेंट करें आपका ऑप्शन है दिल्ली थाने चेन्नई सूरत बिल्कुल बी इज द राइट आंसर थाने में स्टेबल किया गया है इसको बी इज द राइट आंसर अगला प्रश्न विथ रिफरेंस टू द थाउजेंड आईलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ मालदीव सेकेंड स्टेटमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ 342 फोर्टी टू आईलैंड स्ट्रेचिंग 45 किलोमीटर नॉर्थ इनटू द अरेबियन सी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एवब इज ऑब्लिक आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना वन ना टू कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें यहां पर तो कमेंट फास्ट गैस जल्दी जल्दी कमेंट करें जल्दी जल्दी कमेंट करें यहां पर फटाफट फटाफट कमेंट करें बेहद आसान सा सवाल सभी लोगों का गलत होता हुआ डी इज द राइट आंसर दोनों कथन गलत हैं यह जो है इंडोनेशिया का पार्ट है इंडोनेशिया का पार्ट है और जावा सी में है अरेबियन सी में नहीं जावा सागर में स्थित है सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग ना इधर वन ना टू होगा ठीक है सबका गलत किसी का जो है सही नहीं रहा <laughs> अगला प्रश्न है विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड हिंदी डे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विश्व हिंदी दिवस को लेकर के निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए वर्ल्ड हिंदी डे वाज ऑब्जर्व ऑन टेंथ जनवरी ऑन दिस डे इन 2006 द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नागपुर

जल्दी जल्दी कमेंट करें करेंगे फटाफट फटाफट कमेंट करें बिल्कुल सी इज द राइट आंसर बोथ आर करेक्ट वन दोनों करेक्ट हैं 2006 में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने घोषणा किया और 2005 में और ये 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ वैसे अगर हम देखें हिंदी को लेकर के वैश्विक स्तर पर पहली बार प्रयास 1974 में किए गए ठीक है तो 1974 में पहली बार प्रयास किए गए बट विश्व हिंदी दिवस को लेकर के 10 जनवरी को मनाया जाना यह तय किया गया 2005 में और 2006 से मनाया जाना शुरू किया गया अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लाइकली टू बिकम इंडियाज प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वैनेडियम आपके ऑप्शन है केरला तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश गुजरात कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें वैनेडियम का प्राइम प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में जल्दी जल्दी कमेंट करें केरला तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश गुजरात फटाफट फटाफट कमेंट करें बिल्कुल सी इज द राइट आंसर गुड अरुणाचल प्रदेश सी इज द राइट आंसर आहन पोर्टल ऑफ एन मैंशन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आहन पोर्टल ऑफ एन मैंशन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ कमेंट फास्ट फटाफट फटाफट आपके आंसर आने चाहिए आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ठीक है कमेंट फास्ट चलिए यहां पर एक वर्ड मिसिंग है इसके बाद आंसर दीजिए एक वर्ड मिसिंग है इट इज अ वाहन ट्रांसपोर्ट वाहन पोर्टल है एक वर्ड मिसिंग अब तो बता देंगे अब तो बताइए एक वर्ड जो है मिसिंग है वाहन अब बताइए इतने पर तो बता देना चाहिए इतने इंट पर तो बता देना चाहिए कमेंट फास्ट ए इज द राइट आंसर बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ क्लियर है <laughs> अगला प्रश्न रिसेंटली सीन इन न्यूज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे लिडार टेक्नोलॉजी एरियल ग्राउंड सर्वे स्टार्टेड फॉर डेली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चेन्नई मेट्रो कोचि त्रिवेंद्रम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली टू मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिडार कमेंट फास्ट लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे लिडार करेंटली इन न्यूज बिल्कुल ए इज द राइट आंसर डेली टू वाराणसी ए इज द राइट आंसर गुड अगला प्रश्न है हुज अर्लपटी कुटुंबा राव तुर्लपटी कुटुंबाराव कौन थे आपके ऑप्शन है जर्नलिस्ट साइंटिस्ट एथलीट हिंदी फिल्म आर्टिस्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें कुटुंबा राव कौन थे कमेंट फास्ट काफी वेटरन थे ये अभी न्यूज में रहे बिल्कुल सही इज द राइट आंसर जर्नलिस्ट थे ये ठीक है गुड पहला प्रश्न है जिसमें किसी का गलत नहीं हुआ है ग्यारह प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा आया जिसमें किसी का गलत नहीं अगला विथ रिफरेंस टू द सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके ऑप्शन है इट इज अफाइड प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स ग्रांट ऑफ अ क्लियरेंस

वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना वन ना टू यहां पर तो बहुत सारे लोग तुक्का लगाते हुए दिखेंगे कमेंट फास्ट डेफिनेटली यहां पर बहुत सारे लोग तुक्का लगाते हुए दिखेंगे जल्दी जल्दी कमेंट करें बिल्कुल सी इज द राइट आंसर उन्नीस अप्रूवल लेने पड़ते हैं अब कोलमेन्स के लिए ठीक है तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा सी इज द राइट आंसर बिल्कुल पढ़ा हुआ जिन लोगों का होगा उनके लिए तुक्का नहीं होगा ठीक तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा विथ रेफरेंस टू द सी विजिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सी विजिल ट्वेंटी वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है इट विल इन्वॉल्व ऑल द थर्टीन कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज अलोंग विद द अदर मेरी टाइम स्टेक होल्डर्स Including the fishing and coastal communities. Second statement: The exercise is a build-up towards the major theater-level exercise, Tropex theater-level readiness operational exercise, which Indian Navy conduct every two years. Which of the statement given above is oblique? Are correct? वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना वन ना टू कमेंट फास्ट जिन लोगों ने करेंट अफेयर की क्लास ली होगी उनके लिए बेहद आसान सा सवाल है फटाफट फटाफट कमेंट करें जल्दी जल्दी कमेंट करें गाइस कमेंट फास्ट बिल्कुल सी इज द राइट आंसर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट अगला प्रश्न विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड एन ई वी एफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज द फर्स्ट एंड द ओनली वेंचर फंड फॉर नॉर्थ ईस्ट विथ एंड इनिशियल कॉर्पस ऑफ रूपी थाउजेंड करोड सेकेंड स्टेटमेंट है ठीक इन्वेस्टमेंट साइज विथ द वेंचर फंड स्कीम रेंजेस बिटवीन ट्वेंटी फाइव लैक्स एंड रूपी टेन करोड़ विथ अ लॉन्ग टर्म हॉराइजन आ फाइव टू टेन ईयर विच आ स्टेटमेंट गिवेन एवब इज ऑब्लिक आर करेक्ट आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना इधर वन नार टू कमेंट फास्ट प्रश्न को दोबारा पढ़ दे रहे हैं विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज द फर्स्ट एंड ओनली वेंचर फॉर नॉर्थ ईस्ट विथ एन इनिशियल कार्पस ऑफ रुपी थाउजेंड करोड़ चलिए आंसर बताइए गैस यस बी इज द राइट आंसर फर्स्ट एंड ओनली नहीं है ये और थाउजेंड नहीं या हंड्रेड करोड़ का है ठीक है तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा थाउजेंड नहीं हंड्रेड करोड़ दो चीजें ओनली तो नहीं है और यहां पर देखिए अगला प्रश्न वट इज पार्लर रिसेंटली इन न्यूज सिरामिक मेम्ब्रेन्स For treatment of water contaminated with heavy metals. B option, a hormone which tells the body to make more red blood cells to carry more oxygen around. C option, a raw material used to make various man-made fabrics. D option an American Altec microblogging and social networking service. ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है सो so, आप लोग इसके डिटेल आंसर के लिए मंडे टू फ्राइडे की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनको जरूर देखें इन सबके डिटेल आंसर के लिए उनको जरूर देखें गाइज कमेंट फास्ट बिल्कुल डी इज द राइट आंसर अगला प्रश्न विथ रिफरेंस टू द नुब्रा वैली consider the following statement nubra is a subdivision and tashil in the union territory of jammu and kashmir second statement it's a inhabited areas from a tri-armed valley cut by the nubra and shok river which of the statements given above is oblique are correct फटाफट फटाफट कमेंट करें आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन न ना टू नहीं पढ़ा थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्सियस होकर के रहेंगे तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्सियस होकर के इसको पढ़ लिए तो भी आंसर दे सकते हैं फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे इस यहां पर बी इज द राइट आंसर क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का नहीं लद्दाख का पार्ट है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है सो so, यहां पर केवल और केवल सेकेंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है पहला जो है जो जम्मू कश्मीर वाला है वो गलत है अगला शिज़ाहुआंग ऑफ एन मैंशन इन न्यूज इज लोकेटेड इन आपके ऑप्शन है साउथ कोरिया इंडोनेशिया जापान चाइना सिजियस हुआंग जो न्यूज में रहता है कहां स्थित है साउथ कोरिया इंडोनेशिया जापान चाइना कमेंट फास्ट फटाफट फटाफट फटा कमेंट करें इज जल्दी जल्दी आपके कमेंट आने चाहिए कांछा जी प्रणय जी मेघा जी अच्छा फ्यूचर दुनिया बहुत सही गुड यस डी इज द राइट आंसर ठीक तो चाइना का नया हार्ड स्पॉट बना है वुहान वायरस को लेकर के ये अगला प्रश्न विथ रिफरेंस टू द फार्म लॉ कमेटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द कमेटी विल नॉट पास एन आर्डर आर पनिश एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट सेकेंड स्टेटमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली पुट अ स्टे ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द्री फॉर्म लॉ अंटिल फर्दर ऑर्डर विच आफ द स्टेटमेंट गिवेन एब इज ऑब्लिक correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. ना टू फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे या तो बेहद आसान सा सवाल है जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कमेंट फास्ट बेहद आसान सा सवाल फटाफट फटाफट कमेंट करें यहां पर आपके कमेंट जल्दी जल्दी आने चाहिए यह तो बहुत ही आसान सा सवाल लाइक और शेयर फटाफट फटाफट सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें एज लाइक और शेयर करते रहें। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर बोथ वन एंड टू सी इज द राइट आंसर अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सक्सेसफुली अंडरटेकन अर्बन लोकल बॉडीज यू एल बी रिफॉर्म स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस केरला मणिपुर तमिलनाडु सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो टू ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली वन टू एंड थ्री कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें ये तो बहुत ही आसान सा सवाल फटाफट फटाफट फटा आपके कमेंट आने चाहिए गए जल्दी जल्दी कमेंट करें अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया गया कहा चलिए आंसर बताते हैं आप लोगों को यहां पर एज द राइट आंसर ठीक है A is the right answer. Clear? Agla Prashna, with reference to the Janskar Winter Sports Youth Festival 2021, consider the following statement. It was organized by the Department of Sports and Youth Services under the Khelo India banner in collaboration with the Ladakh Tourism Department. सेकेंड स्टेटमेंट द जास्कर रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख सेपरेट जांसकर फ्रॉम लद्दाख विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन इज ऑब्लिक आर करेक्ट आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर इधर वन न टू कमेंट फास्ट दीपक जी कुनार्क जी प्रेमा जी आकांक्षा जी प्रणय जी कामना प्रधान जी फटाफट फटाफट कमेंट करें आप लोग फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे बेहद आसान सा सवाल बिल्कुल सी इज द राइट आंसर बोध ठीक अगला विथ रिफरेंस टू द मकर संक्रांति कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट Makar Sankranti is observed according to solar cycles. It is also called as a Sukrat in Madhya Pradesh. Which of the statement given above is oblique or correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Comment fast. <laughs> कुछ लोगों ने तो बोथ टाइप करने के चक्कर में केवल बी लिख करके भेज दिया मतलब इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है इतनी जल्दबाजी की पता चलता है कि ऑप्शन ए कलर करना है बी कलर करके आ गए तो एक प्रश्न तो शहीद हो जाएगा तो ऐसा भी जल्दबाजी ठीक नहीं है <laughs> कि बोथ लिखने में केवल बी लिख करके छोड़ दीजिए इसलिए ए बी सी टाइप करिए ज्यादा अच्छा है ठीक है सी इज द राइट आंसर बोथ आर करेक्ट सो ए बी सी टाइप करें बेहतर है क्लियर है <laughs> <laughs> अगला प्रश्न विथ रेफरेंस टू द एल सी ए तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स Light combat aircraft MK 1A variant is an indigenously designed, developed, and manufactured state of the art modern fourth generation fighter aircraft. It is the first uh, boy Indian indigenously designed, developed, and manufactured category.

एक ही बार में सुधार हो गया लेकिन कुछ लोग अभी भी बोथ लिखने से बाज नहीं आ रहे हैं कमेंट फास्ट सी इज द राइट आंसर बोथ आर करेक्ट वन लिखिए देखिए ह्यूमन एरर से बचना है ह्यूमन एरर से बचने के लिए ए बी सी डी उतने पर ही रही है ट्रेडिशनल सिस्टम को अपना लीजिए बेहतर है ठीक है इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन द एरियाज़ ऑफ सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एंड अर्ली वार्निंग ऑफ सैंड एंड डस्ट स्टार्स कमेंट फास्ट आपके ऑप्शन है यूएई, चाइना नेपाल मालदीव यहां पर जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट, कमेंट, कमेंट फास्ट गैस बिल्कुल इज द राइट आंसर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अगला प्रश्न विथ रेफरेंस टू मिलेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिलेट्स आर द सेल्स क्रॉप जनरली स्मॉल सीडेड एंड नोन फॉर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च आई सी ए आर आई आई एम आर इज लोकेटेड इन डेल्ही विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन एब इज ऑब्लिक आर करेक्ट आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना इधर वन ना टू फटाफट फटाफट कमेंट करें गाइस जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें ए इज द राइट आंसर वन ओनली क्योंकि ये कहां स्थित है हैदराबाद में जिन लोगों ने सी लगाया उन लोगों का आंसर गलत कहां स्थित है ये हैदराबाद में अगला प्रश्न Which of the following is the first insect approved by the European Food Safety Agency as a human food? options option hai, Blatodia, Hemipetra, Mosquito or Mealworm. Comment fast. Comment fast, guys. जल्दी जल्दी कमेंट करें कई लोगों ने तो कई कई कमेंट किए हैं एक बार गलत कर दिया फिर उसको सही कर रहे हैं। तो एक चीज ये जान लीजिए मल्टीपल टिक करने वालों का आंसर ऑलवेज जो है उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाता है तो जो मल्टीपल टिक कर रहे हैं वो समझ लें कि उनका आंसर ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है ठीक है सो डी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है मिलबर्म कहा जाता है उसे अगला प्रश्न विथ रिफरेंस टू द असमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिफरेंस टू द असमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी सेकेंड स्टेटमेंट द मशीन पिस्टल फायर द इन सर्विस नाइन एम एम एंड स्पोर्ट्स एंड अपर रिसीवर्स मेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट ग्रेड एलुमिनियम एंड लोअर रिसीवर फ्रॉम कार्बन फायर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एब इज ऑब्लिक आर करेक्ट सेशन को लाइक और शेयर फटाफट फटाफट करते रहें गाइज लाइक और शेयर फटाफट फटाफट लाइक और शेयर जितनी तेजी से आप आंसर दे रहे हैं उतनी ही तेजी से लाइक और शेयर भी करते रहे तूफान मचा दीजिए कमेंट फास्ट तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करिए तूफान मचा दीजिए गैस फटाफट फटाफट फटा फटा कमेंट करें यहां पर बिल्कुल सी इज द राइट आंसर बोथ स्टेटमेंट जो यहां पर करेक्ट है सो सी इज द राइट आंसर अगला प्रश्न विथ रेफरेंस टू द वेटरन्स डे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट It was celebrated as a recognition of the services rendered by the first Commander-in-Chief of Indian Armed Forces, Field Marshal K.M. Kariyappa, O.B., who retired on 14th January, 1953. The first Armed Forces Veterans Day was organized on 14 January, 1990. च ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन एवब इज ऑब्लिक आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना इधर वन ना टू जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट गैस यस ए इज द राइट आंसर क्योंकि फोर्टीन जनवरी टू थाउजेंड सेवेंटीन यह राइट आंसर होगा सो ए इज द राइट आंसर अगला प्रश्न With reference to National Innovation Portal NIP consider the following statement It was developed by National Innovation Foundation NIF Second statement National Innovation Foundation NIF is an autonomous body of the Department of Science and Technology Government of India Which of the statement given above is oblique or correct आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना इधर वन ना टू जल्दी जल्दी कमेंट करें ये जो सी ऑप्शन लगा रहे थे ना हर जगह सी ऑप्शन मतलब एक आंख मूंद करके कि ट्रैक पकड़ लिया है आप लोगों ने कमेंट फास्ट आंख मूंद करके ट्रैक पकड़ लिया आप लोगों ने जल्दी जल्दी कमेंट करें एज यस यहां पर सीज द करेक्ट वन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट दोनों जो है करेक्ट है अगला प्रश्न विथ रेफरेंस टू द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएम के वी वाई थ्री पॉइंट जीरो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट विल फोकस ऑन न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स स्किल इंडिया मिशन पीएम केवीवाई थ्री पॉइंट जीरो says is training of eight lakh candidates over a scheme period of 2020-21 with an outlay of rupee 948.90 crore. Which of the statement given above is oblique or correct? The option A one only, two only, C both one and two, D neither one nor two. कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट गैस जल्दी जल्दी कमेंट करें यस सी इज द राइट आंसर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट अगला प्रश्न ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज वाज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओईसीडी नन ऑफ द एब कमेंट फास्ट ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज वाज पब्लिश्ड बाय कमेंट फास्ट गैस जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट फटाफट फटाफट कमेंट करें यस yes, यहां पर डी इज द राइट आंसर नन ऑफ नन ऑफ सो ध्यान रखे रहिएगा इसमें नन ऑफ लाइक और शेयर फटाफट फटाफट कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है लाइक like जरूर कर दें और पास में बेल आइकन बटन दिख रही है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और ऑनलाइन वेंचर का ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर इंस्टॉल कर लें आज के लिए इतना ही गायज ठीक बाय बाय जय हिंद ऑफिसर्स subscribe online ventures youtube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material subscribe online ventures youtube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material